गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेयर अगेन वीना मैम विद योर मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर्स एंड टुडेज टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स जगह या स्थान। ठीक है, अब आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब मान। किसी भी डिजिट का, कोई भी डिजिट हमें दिया गया है किसी फिगर में, उसकी वैल्यू बताना, उसकी जगह या स्थान बताना। ओके, सो टेक अस एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, सी ऑन योर बुक द पेज नंबर 4, 85240। एग्जांपल अपन लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 85,240। ठीक है, अब इसमें आपको पहले क्या करना है, इनकी प्लेसेस लिख देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000। एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं। ओके, अब यदि हमसे पूछा जाए, इफ एनीबडी आस्क अस what is the place values of the different digits in this example? Suppose, अब एक एक का हम आपको बताते हैं किसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। जीरो, तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, वंस पोजिशन पर है, जीरो है। फोर की वैल्यू क्या होगी, द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज 40। 40 क्यों है, फोर किस पोजिशन पर है, टेंस पोजिशन पर, और टेंस का मतलब क्या होता है, टेन। ठीक है, ओके, तो टेंस पोजिशन पर फोर है, इसलिए इसकी वैल्यू है 442। इट इज ऑन 100 पोजिशन, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज 200। ओके, सेम फाइव, द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज, इट इज ऑन 1000 पोजिशन, तो कैन यू टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन दिस फिगर। सोचिए क्या होगा, यस इट इज 5000 एंड द एट इज ऑन 10,000 पोजिशन, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज 80,000। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें आगे क्या लिखना है, हमने रिसिप लिख ली, फोर है, टू लिख लिया, फाइव लिख लिया, एट लिख लिया, बट हाउ कैन वी नो एंड हाउ मेनी जीरोज वी प्लेस हियर वी राइट हियर, कि हमें कैसे पता लगेगा कि इन डिजिट्स के आगे में कितनी जीरो लगानी है। तो सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले जो फिगर आप देखिए, यहाँ तो जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया। सपोज यहाँ पर थ्री होगा तो हम क्या लिखते, थ्री लिख देते। ठीक है, अब वंस पोजिशन पे जो है डिजिट उसको तो सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख देंगे हम, टेंस पोजिशन पर जो है सेकंड नंबर पर, टेंस पोजिशन पर उस डिजिट को सेम टू सेम ऐसा लिख दीजिए और उसके आगे एक जीरो लगाना है। 10 क्यों लगाना है, क्योंकि इसके आगे क्या है, वन है, वन डिजिट है। ऐसे टू लिखा और टू के आगे कितने डिजिट है, वन एंड टू, टू जीरो लगा दिए। फाइव के आगे थ्री है तो हमने थ्री जीरो लगा दिए। एट के आगे फोर डिजिट है तो हमने फोर जीरो लगा दिए। ठीक है, ये सिंपल सा एक तरीका है आपको प्लेस वैल्यूज लिखने का। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल और करते हैं एंड इट इज ऑल्सो इन योर बुक 20,845। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक में लिखिए इसको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड राइट डाउन देयर पोजिशंस आल्सो, लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इनको आपको लिखना है। देखिए, yes and no cheating, do yourself, okay, I'm writing here, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, do it within 1 minute, 1 minute में बहुत ज़्यादा, फटाफट करिए, write down their place values. Done, okay, match your answer. The place value 5 is? Yes, 5. 4 again. Is the 4 again?
48, 800. नाउ व्हाट अबाउट जीरो? यहाँ तो जीरो है, फिर हम जीरो की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब जीरो लिख दिया, अब जैसे मैंने आपको यह समझाया तो इसके आगे आप 30 लगाएंगे, और इस 30 के आगे आप जीरो ना लगाए केवल जीरो लिख दें वो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि जीरो तो जीरो है, तो जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है, तो यदि आप सिंगल जीरो लिख रहे हैं तब भी ठीक है, और यदि आप 30 यहाँ लगा रहे हो देन नो प्रॉब्लम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टू, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 4 zeros, that is 20,000. Okay, these two examples are here. चलिए अब आपकी बुक से हट के कुछ दूसरे examples हम लेते हैं. Example number 3. Suppose it is 38,024. 38,024. Okay. Mention ones, tens, hundreds, thousand, and 10,000. Can you write the values? Yes. Now you are able to write. Okay. Do it. 4. Up to aap likh sakte hain. Now you are able to write these answers without my help. Okay. Do it. 0, 8,000, and 30,000. Okay. Now one more example is here. Ones, tens, hundreds, thousand, and 10,000. Now this question you have to do yourself. Okay? चलिए अब हम चलते हैं आगे नए टॉपिक पर. Okay? You can note down this. An example also. एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेती हूँ. One more example is here. 9, 9, 9, 9, 9 means 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 99,999. ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप पिक करेंगे. चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, और नंबर्स का मतलब अंक, अंकों की तुलना. अंकों की तुलना कैसे करते हैं? ये भी देखो, पेरेंट्स तो हमारी तुलना करते हैं, हमारा कंपैरिजन देखो, पड़ोसी के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, हमेशा पढ़ते हैं, और आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं. मोस्टली हमारे घर में ऐसा कंपैरिजन होता है, उस बच्चे के नंबर कितने अच्छे आते हैं, किसी भी एक्टिविटी में उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे तो है ही नहीं. या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की भी मतलब प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनका बच्चा देखो. तो ये बच्चों बच्चों में कंपैरिजन चलता है. तो हमें मैथ में भी पढ़ना है ये कंपैरिजन, एंड इसका पढ़ना है नंबर्स का, नंबर्स का कंपैरिजन तुलना. मीन्स कि कोई भी नंबर्स या तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या एक दूसरे से बड़े, या एक दूसरे से छोटे, ठीक है? ये क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट डिजीज के बीच में कंपैरिजन करिए, और जो भी एप्लीकेबल है तीनों में से वो मार्क वो साइन पुट करिए. ओके, तो सिंपल सा चलते हैं पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, 8-18, ये डैश किस लिए है, ब्लैंक किस लिए है? इन तीनों में से हमें यहाँ जो एप्लीकेबल होगा वो लिखना है. अब देखिए बेटा, जब भी ऐसे कोई डिजिट्स लिखे हो तो कंपैरिजन आप कैसे करें? पहले वाले डिजिट का दूसरे वाले से करेंगे, या दूसरा लिखा हो पहले वाले से करें? ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. हमें करना क्या है, जो फर्स्ट फिगर होता है, फर्स्ट डिजिट,
उसका कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट वन से, ठीक है? ओके, अब ए 18 से बराबर है, ज्यादा है या कम? ओके, इन दोनों का देखो कैसे हम मालूम करेंगे कौन सा साइन आया। जिस तरफ से इस वाले साइन का मुंह खुला है, ये वाला, वो बड़ा होगा, और जिस तरफ से खुला होगा वो साइन बड़ा होगा। अब जैसे मैं लगा रही ये वाला साइन, इसका मतलब इसका मुंह यहां से खुला हुआ है। सपोज ये आपकी सी स्टारो के बीच है, स्टारो का जो बैक साइड है ओपन साइड, वो खुला हुआ, इट मीन्स की 18 ज्यादा है 8 कम है। एग्जाम्पल सेट है, इफ आई राइट 18-8 देन दिस साइन वी राइट हियर दिस वन। ओके, अगेन सेम बात, येलो साइड ओपन है, इसका मतलब ये डिजिट बड़ा है। और इसके अलावा और भी डिजिट्स हम ले सकते हैं, सपोज 54, 58, 120, 10, 3845, और यह हम ले सकते हैं 2845, नेक्स्ट 100, 100। ओके, चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। साइन 54, 58, देन वी राइट लाइक दिस। ओके, नहीं 54 इज लेस देन 58, 120 बड़ा है तो ये साइन आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? दिस वन। और ये दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अब ये तो हो गए एग्जांपल्स जो हमने खुद किए हैं। नाउ वी आर टेकिंग योर बुक एग्जांपल्स। ओके, सी 20,563 मुख्य एग्जाम्पल 20,563 और एक है 9,456। सो विच नंबर इज बिगर? दिस वन। तो विच साइन भी आपको पुटे आप ये, ओके, ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको लेस देन बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल 9,456 20,563 दिस साइन भी राइट है। ओके, सॉरी, नंबर थ्री 38,427 एंड अगेन हियर 38,427 देन विच साइन इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आप इसको अपने नोटबुक में भी मेंशन करते जाइए। ओके, 7,250 एंड नेक्स्ट इज 7,265। अभी आप लिखिए, फिर हम बाद में टैली करेंगे अपने आंसर्स। 45049 एंड द नेक्स्ट फिगर इज 48751। 48751। नाउ टेल मी विच साइंस वी पुट हियर, विच नंबर इज बिगर? दिस वन। ओके, ठीक है, आप ये ऐसे भी लगा सकते हो और इसमें ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला साइन आएगा यहां पर, जो बड़ा है उस तरफ माउंट ओपन होगा। इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है? दिस वन। ये लीजिए, एक और लिखते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, 4, 8, 7, 5, 1,
45049। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओके, तो अब आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन मैसेज मी इन माय मैसेज बॉक्स एंड श्योर आई विल सेंड यू द आंसर। बाय।